गुड मॉर्निंग। तो अभी है मेरे पास डाईफील्ड का पॉकेट रेडियो जो दो दिन पहले मुझे डिलीवर हुआ था, और अभी मैं हूँ गांव में और अभी इसको टेस्ट करने वाले मीडियम वेव और एफएम बैंड पे, और आपको दिखाते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है मीडियम वेव की हमारे इस एरिया में और आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी वो बताते हैं आपको। नज़दीक चल के दिखाते हैं इसको कि क्या स्टेशन ये अभी पकड़ पा रहा है। तो अभी मैंने इसको ट्यून कर दिया है मीडियम वेव पे, देखिए एएम बैंड पे ट्यून है। और आज से 20 साल पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पे तीन मेजर स्टेशन थे जो पकड़ते थे, पटना, भागलपुर और दरभंगा। और अभी दिखाता हूँ कि अभी कौन सा स्टेशन पकड़ पा रहा है। के होते हैं और कौन कैसे बोलता है, आसमान कैसा होता है, तो ये सब बातें। ये आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ पे आता है मीडियम वेव पे, और अगर मीटर की बात करूं तो 483.1 मीटर पे आता है। तो पटना की रिसेप्शन अभी भी बढ़िया, हालांकि इसको 2012 के बाद इसको डीआरएम पे कर दिया गया था और इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट की है, और चूंकि डीआरएम पे डाल दिया गया तब से क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया हो गई। एक समय था जब पटना भी ढंग से नहीं पकड़ पा रहा था, और इसके बाद देखते हैं कौन सा स्टेशन ये पकड़ता है। और ये है 711 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी के सिलीगुड़ी केंद्र, और इसकी भी रिसेप्शन ठीक ठाक है जो पहले हुआ करती थी। और इसके अलावा देखिए इसने कोई स्टेशन नहीं पकड़ा, हालांकि 1296 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और 1458 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी का भागलपुर, लेकिन दोनों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई है और उसकी वजह से इसका रिसेप्शन और खास करके छोटे रेडियो पे रिसेप्शन नहीं पकड़ पा रहा ढंग से। और अगर बड़ा रेडियो भी कोई होता ट्रांजिस्टर तो वो भी काफी मुश्किल से पकड़ पाता, लेकिन उस पर आप एटलीस्ट सुन सकते थे स्टेशन को, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर नहीं पकड़ेगा, पता नहीं चल रहा कि स्टेशन है भी यहाँ पे। जबकि मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ दूसरे रेडियो पे, वो यहाँ पे दरभंगा और भागलपुर की एक झलक जरूर मिलती है, चूंकि रेडियो छोटा है तो उतनी उम्मीद कर भी नहीं सकते। तो ये स्थिति अभी आज के टाइम में हमारे एरिया में जो मीडियम वेव के स्टेशन जो दिन में पकड़ते हैं। खाली अगर मैं रात की बात करूँ तो रात में तो आपको बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे, अनगिनत स्टेशन मिलेंगे, लेकिन मेन बात आती है कि दिन में आपको कितने स्टेशन पकड़ता है। आज से 20-25 साल पहले यहाँ पे आकाशवाणी भागलपुर का रिसेप्शन बढ़िया होता था, मैं उतना ही बढ़िया नहीं बोलूंगा लेकिन बढ़िया होता था, और अभी देखिए। और इस रेडियो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसको जब आप ट्यून करते हैं तो एक जगह ये टिक नहीं पाता है ढंग से, और एक स्टेशन पे टिका के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। चलते हैं एफएम बैंड पे। अभी देखिए आकाशवाणी पूर्णिया ये इसने पकड़ लिया, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पे आता है, 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है उसका। डिस्टेंस मेरे लोकेशन से अभी जहाँ पे हूँ गांव में यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। और देखिए जब इसको ट्यून करो, ट्यून तो हो जा रहा है लेकिन आप इसको एक जगह पे टिका के नहीं रख पाते हैं, ये देखिए। मुश्किल से ट्यून होता है, हो जाता है लेकिन फिर वो भाग जाता है, ये देखिए। वो इसके नीडल की वजह से हो रहा है और मुझे जो लग रहा है, लेकिन ये रिसेप्शन अभी तक जितने भी पॉकेट रेडियो मैंने यूज किए उसमें इसका रिसेप्शन बेस्ट है, साउंड भी जबरदस्त है। जोशी ये कल्पना नहीं सच है। ये है 102.3 मेगाहर्ट्ज, ये कोलकाता का एफएम है जहाँ से कि विविध भारती के कार्यक्रम रिले होते हैं। ये है कांतिपुर एफएम, नेपाल का एफएम है, 96.1 मेगाहर्ट्ज पे, और ये मेरे एरिया का ये पहला स्टेशन है जिसने मुझे एफएम का एक्सपीरियंस दिया था 2002 में। और यहाँ पे देखिए 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पे भुरुकवा एफएम है नेपाल का, और ये नेपाल का एफएम होते हुए भी यहाँ पे ये हमारा जो लोकल कल्चर है यहाँ पे मैथिली का, जो बिहार और नेपाल का जो सटा हुआ इलाका है उसको ख्याल रख के इस पे प्रसारण होता था,
और काफी अच्छे अच्छे गाने आते थे इस पे, लेकिन अभी देखिए इसका भी रिसेप्शन काफी वीक मिलता है। इवन मैंने D808 पे भी ट्राई किया था लास्ट मंथ, उस पे भी ट्यून नहीं हो पाया था। तो FM की भी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और मैं क्यों बोलता हूँ कि शॉर्ट वेव पे रेडियो स्टेशन आने चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि अभी देखिए आज संडे है, और अगर मैं बात करूँ विविध भारती के प्रोग्राम को और उसको जो कि ग्लोबल स्टेशन हुआ करता था, अभी आपको वो FM बैंड पे नहीं मिलेगा। दो ही फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, 103.7 MHz आकाशवाणी का पूर्णिया और 102.3 MHz जो कोलकाता का FM है, इस पे विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, लेकिन इसके अपने भी कार्यक्रम आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप विविध भारती सुनना चाहते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आप उसको इंटरनेट पे सुने, न्यूज़ ऑन एयर ऐप या रेडियो ऐप के थ्रू सुने, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास है। इसीलिए अगर विविध भारती को शॉर्टवेव पे डाल दिया जाता है तो ये जो समस्या है ग्रामीण एरिया में वो एक तरह से दूर हो जाएगी, और इसीलिए हमने एक मुहिम चलाई है कि विविध भारती को शॉर्टवेव पे लाया जाए। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, इस मुहिम का पिटीशन है, उस पर आप क्लिक कीजिए और इस मुहिम के साथ जुड़िए। अगर हमारे पास एक समर्थन इकट्ठा होता तो हम इस चीज़ को आगे भी लेके जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।